हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 27th of November 2018। तो 27 नवंबर 2018 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं फ्रेंड्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट डेली क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हिज और हर इम्पीचमेंट। इनमें से कौन से मेंबर ऐसे हैं इलेक्शन जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं करते हैं। ओके, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन। बी इज पंचायती राज रिफॉर्म्स। सी इज इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डी इज इंटरनेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन आर आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर द डे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड। द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द फ्रंट पेज। यू कैन ओपन द न्यूज पेपर विद मी। द न्यूज इज रिगार्डिंग करतारपुर कॉरिडोर। ओके, तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया गया कल पंजाब में। ओके, द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट वॉट इट विल कनेक्ट। दिस करतारपुर कॉरिडोर विल कनेक्ट द सिख होली श्राइन ऑफ डेरा बाबा नानक साहिब। डेरा बाबा नानक साहिब जो है उसको कनेक्ट करेगा श्राइन ऑफ करतारपुर साहिब से। तो जो डेरा बाबा नानक साहिब है दैट इज इन पंजाब इंडिया एंड जो करतारपुर साहिब है दैट इज इन पाकिस्तान। ओके, सो दीज आर द टू प्लेसेज विच विल कनेक्टेड थ्रू दिस कॉरिडोर। दिस विल बी अ ह्यूमन कॉरिडोर जो कि किस लिए बनाया जा रहा है, स्पेशली फॉर द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक के लिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इट्स अ ह्यूमन कॉरिडोर। इट विल बी कम्प्लीटेड बाई नवंबर 2019 तक ये कम्प्लीट होना है बिफोर द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ दिस इज हेल्प अस हेल्प तमिलनाडु। दिस इज रिगार्डिंग द साइक्लोन गज। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। आप इसमें अकाउंट नंबर और ये सारी डिटेल्स दी गई हैं तो जब पेपर है तो आप एक बार देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज डू ट्राई टू हेल्प देम। साइक्लोन गज के कारण जो भी लॉसेज हुए हैं आप उसको थोड़ा बहुत जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप कर सकते हैं। सो यू कैन रीड इट इन फ्रॉम दिस पेज ओनली। आप पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज डू इफ यू वॉन्ट। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द आयरन मैन चैलेंज। तो आयरन मैन चैलेंज के बारे में मेन मुझे आपको बताना था, इन लोगों के बारे में नहीं बताना था। आयरन मैन चैलेंज बेसिकली होता है एंड्योरेंस का, आपकी आपके अंदर कितना एंड्योरेंस है, कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए चैलेंज होता है जिसको हम आयरन मैन चैलेंज बोलते हैं। नाउ ये डिपेंड करता है कि कितने माइल आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो आयरन मैन 70.3 जो होता है वो हाफ आयरन मैन कहलाता है। आयरन मैन 70.3 एंड इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस दैट टेस्ट द एंड्योरेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये आयरन मैन 70.3 है एंड इसमें टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो रेस होती है 1.2 माइल की एंड स्विमिंग होती है देन 56 माइल आपकी साइकिलिंग होती है एंड 13.1 माइल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेगा। ये अलग अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है बट याद रखेगा कि आयरन मैन चैलेंज होता क्या है। आयरन मैन चैलेंज आपका एंड्योरेंस और आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का चैलेंज है। 70.3 जो है वो हाफ आयरन मैन। ओके, आयरन मैन 70.3 है हाफ आयरन मैन। ओके, एंड 70.3 क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन माइल्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन माइल्स। तो ये तीन फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपसे अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपसे आपका गलत नहीं होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेजेस। कोई अगर न्यूज़ है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सी, आप भी मेरे साथ मूव करते जाइए। नाउ ढांगर कम्युनिटी। ओके, तो ढांगर्स कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। ढांगर कम्युनिटी आर फ्रॉम द महाराष्ट्र। ये पहला फैक्ट जो हमको याद रखना है। ढांगर कम्युनिटी इज स्टिल गेटिंग अ रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है अंडर ओबीसी कोटा। बट अभी रिसेंटली जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वहाँ पे जो मराठा कम्युनिटी है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ढांगर कम्युनिटी के लिए जो रेज कर रहे हैं, दे आर रेजिंग द वॉइस टू गेट कन्वर्टेड इनटू एसटी कम्युनिटी। वो चाहते हैं कि उनको ओबीसी से हटा करके एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में डाल दिया जाए ताकि उनको और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएँ। सो दिस इज़ वॉट द ढांगर कम्युनिटी वॉन्ट। दे वॉन्ट द रिजर्वेशन अंडर द एसटी कम्युनिटी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ढांगर का जगह याद रखेगा जरूर। ढांगर कम्युनिटी आर फ्रॉम महाराष्ट्र। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अगेन नेक्स्ट पेजेस। क्या न्यूज आई है देख लेते हम।
सो यू यू शुड मूव विद मी, आप मेरे साथ ही पेपर मूव करते जाइए. 26 अटैक वॉज एन अटैक ऑन डेमोक्रेटिक फ्रीडम, दिस इज वॉट द प्रेसिडेंट हैज सेड. 26/11 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि 26 नवंबर 2008 को अटैक हुआ था. कहाँ पे अटैक हुआ था? मुंबई में अटैक हुआ था मेजर, एंड ताजमहल पैलेस, ओबराय शेरेटन और इन होटल्स पे और अलग अलग पॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा ये अटैक हुए थे. लगभग 4 दिन ये अटैक चला था, 4 दिन तक ये अटैक चला था पूरा. एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आपको याद रखने वाली बात है कि इसमें बोट से आए थे, जो टेररिस्ट आए थे वो बोट से आए थे. सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, इसके बाद हमारा NIA बनाया गया था 2009 में. NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी आफ्टर दिस अटैक ऑफ 26/11. ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ये कुछ फैक्ट्स भी थे. एंड जो ये न्यूज़ है, बिग लीप इन इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट 26/11, तो ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूव हुआ है आफ्टर 26/11. तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलना शुरू हो गई है. देर प्रोसेस दिस इज प्रोसेस्ड थ्रू सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम है. एंड देर इज़ अ लॉफुल इंटरसेप्शन सिस्टम. तो लॉफुल इंटरसेप्शन मतलब इंटरसेप्शन भी किया जाता है, एंड देन देर इज़ अ सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग भी की जाती है. ओके, एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ये बताया है कि द स्टेट्स आर पीरियोडिकली गेटिंग ग्लोबल सेल आइडेंटिटी एंड लोकेशन एरिया आइडेंटिटी फ्रॉम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. तो जो ग्लोबल सेल आइडेंटिटी है और लोकल एरिया आइडेंटिटी है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीकॉम प्रोवाइडर्स टू द स्टेट. ओके, एंड ITU जब नाम आया है, तो लेट्स सी अबाउट ITU, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. तो ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूज दैट कंसर्न्स द ICT. तो ICT से रिलेटेड इशूज़ को देखता है. इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 17 मई 1865 को हुआ था, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है. ओके, तो हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड. तो अगर आपसे मैंने क्यों बताया आपको इंटेलिजेंस वाली न्यूज़, ताकि जब भी क्वेश्चन में लिखने के लिए आए कि व्हाट आर द इंप्रूवमेंट दैट हैपेंड इन द इंटेलिजेंस सेक्टर आफ्टर 26/11, तो आप उसमें लिखिएगा कि सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, लॉफुल इंटरसेप्शन सिस्टम, देन ग्लोबल सेल आइडेंटिटी, लोकल एरिया आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें हमको मिलने लगी है. एक्शनेबल रियल टाइम इंटेलिजेंस हमारी इंप्रूव हो गई है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड मेंशन देयर. कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में आपको पता है कि इट इज़ कम्यूमरेटेड टू डे दैट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो अडॉप्शन का डे है. ओके, डे ऑफ अडॉप्शन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कोइंसाइड्स विद द डे ऑफ अडॉप्शन एंड इट वॉज 26 नवंबर 1949. ओके, तो ये याद रखेगा. और जो फोर्स में आया था, इनएक्टमेंट जो फोर्स में आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 था, 26 जनवरी 1950 था. तो ये भी याद रखेगा. नाउ एपिग्राफिस्ट इरावथम महादेवन की डेथ हो गई है. इरावथम महादेवन एपिग्राफिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई है. तो ये इनका एक पर्सनैलिटी बेस्ड चीज़ याद रखेगा कि इरावथम महादेवन वॉज अ नोटेड एपिग्राफिस्ट. एपिग्राफिस्ट होता कौन है? जो कि एपिग्राफी को स्टडी करता है. और एपिग्राफी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. तो जो इंडो आर्यन और जो आपके इंडस वैली या उसके बाद के जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, इंस्क्रिप्शंस आपने देखा कि अशोका ने एडिक्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस थे, जिनको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में रिकॉग्नाइज किया था. ओके, उसी तरीके से जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनकी स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं. ओके, दैट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी, एंड दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट स्टडी ऑफ एपिग्राफी दे आर नोन एज एपिग्राफिस्ट. तो इरावथम महादेवन जो थे वो नोटेड एपिग्राफिस्ट थे. दिस इज अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. नाउ तवांग मोनेस्ट्री आई है न्यूज़ में. तवांग मोनेस्ट्री के बारे में बता देता हूँ आपको फैक्ट कि तवांग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन द तवांग सिटी ऑफ तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तवांग सिटी है, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है तवांग मोनेस्ट्री. ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ के क्लेम है इसमें, आपका तिब्बत, चाइना, यहाँ अलग अलग तरह के क्लेम्स आते हैं. ओके, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड तवांग मोनेस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर पुटाला पैलेस इन लासा तिब्बत. ओके, तो पुटाला पैलेस जो है मोनेस्ट्री, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, और जो तवांग मोनेस्ट्री है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट और इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन.
येट अनदर फियास्को इन जम्मू कश्मीर। जो लीड एडिटोरियल है वो जम्मू कश्मीर में रिसेंटली जो डिसोल्यूशन किया गवर्नर ने उसके ऊपर था। और जम्मू कश्मीर के बारे में अदर फैक्ट्स मैं जल्दी क्विकली आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 92 के तहत, सेक्शन 92 ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगता है पहले, एंड गवर्नर्स रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद लगता है और 6 महीनों के लिए लगता है। एंड अगर 6 महीने तक डिसॉल्व नहीं होती असेंबली देन दैट गवर्नर्स रूल इज कन्वर्टेड इन टू द प्रेजिडेंट्स रूल। ओके, सो दैट दिस इज द थ्योरी बिहाइंड दैट। सेक्शन 92 जरूर याद रखिएगा जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड दिस विल बी द फर्स्ट बेसिक बैकग्राउंड फैक्ट। नाउ ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है गवर्नर के डिसीजन को बिकॉज मेनी पार्टीज वर लेइंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्म करने के क्लेम ले रहे थे बट उनको फ्लोर टेस्ट देने का मौका नहीं दिया गया। बहुत बहुत सारी चीज़ें जो कि फॉलो नहीं की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले के जजमेंट्स में, जैसे SR बुम्बई का जो केस था उस पर कई बार बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले फ्लोर टेस्ट का मौका आप दीजिए, उसके बाद इसको डिसॉल्व करिए, रिजोल्यूशन शुड बी एट द एंड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़। बट यहाँ पर गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया। Then she argues that governor's reasons for dissolution of assembly were not only disindigenous but also dangerous. जो उन्होंने reasons दिए वो भी dangerous थे। जैसे कि उन्होंने क्या reason दिया था कि parties of opposing ideology were coming together to form the government, so government will be unstable. जैसे उन्होंने let कर लिया है कि अलग अलग ideology के लोग इसको मिलके बना रहे थे, इसलिए ये fail हो जाती government, ये unstable। तो आप ऐसा let करने वाले कौन होते, who are you to let all these things? अगर fail होती है तो fail होने देते, but first you should let them to do the flow टेस्ट। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। सेकंड इज दैट देवर हॉर्स ट्रेडिंग। ओके, सो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। नाउ दीज आर नॉट द रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एन असेंबली। इतने पूरे बड़े स्टेट को जो ऑलरेडी आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में है, चाइना इधर साइड से है, ऐसे स्टेट में आप गवर्नमेंट उसको अनाथ बना रहे हो एक तरीके से। दिस इज नॉट द वे टू प्रोसीड, दिस इज नॉट द थिंग दैट शुड हैव हैपेंड, दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। ओके, एंड द कश्मीर, यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर अनस्टेबिलिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज आप कर रहे हो किसी तरीके से, एंड आप उसको गलत डायरेक्शन में पोर्ट्रे कर रहे हो। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, आप उसको बुरी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो। द ऑथर शुड, द गवर्नर शुड नॉट हैव डन दैट। ओके, एंड दिस आल्सो इंक्रीजेस द टसल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर एंड स्टेट का जो टसल ऑलरेडी चल रहा था जम्मू कश्मीर को लेके, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हमारे हैं, जो सेंटर स्टेट रिलेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो थोड़ा और स्ट्रेंड हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, एंड यूनियन गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर कर रही है। दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग दैट दिस इज द वे इन विच इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग इन द वर्किंग ऑफ द नॉर्मल वर्किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है, ओके, जो कि नहीं होना चाहिए था। एंड कुछ और पॉइंट्स थे जो कि हमको जानने जरूरी नहीं है, बट फ्रॉम दिस आर्टिकल वी नीड टू रिमेंबर दीज थ्री इशूज। हमको इन इशूज को जरूर याद रखना है। वॉट इज द रोल ऑफ गवर्नर, दैट हैज़ अगेन केम इन टू द क्रिटिसिजम ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, कि रोल ऑफ गवर्नर कितना होना चाहिए, ये एक इशू जो कि रेज हुआ है। दूसरा है सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर, कैसे इंप्रूव हो सकती है, दिस इज द सेकेंड इशू दैट हैज़ बिन रेज्ड। थर्ड इज द जम्मू कश्मीर रिलेशन विद द यूनियन, दिस इज द थर्ड इशू दैट हैज़ बिन रेज्ड। ओके, तो ये तीन इशूज रेज किए गए हैं, इनको जरूर याद रखेगा। नाउ प्रिवेंटिंग अनदर स्कफल। नाउ ये रिसेंटली एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि बॉमडिला नाम की एक जगह है जहाँ पर इंसिडेंट हुआ कि दो आर्मी पर्सनल्स जाके गए थे वहाँ पे, उनके साथ वहाँ उनके साथ पुलिस वाले, उन्होंने थोड़ा बदतमीज़ी की तो पुलिस गवर्नमेंट ने उनको कुछ कुछ किया। उसके बाद ये मतलब स्कफल है, स्कफल यानी लड़ाई है बिटवीन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पुलिसिया प्रशासन होता है, दूसरा कि आपका जो आर्मी वाला होता है, सिविल वर्सेस मिलिट्री यानी कि आर्मी। तो बॉमडिला में ये इंसिडेंट हुआ, उसी के बारे में ऑथर बता रहा है कि वी हैव टू प्रिवेंट सच इशूज़, क्योंकि दोनों अपना काम कर रहे हैं, बोथ आर गुड एट देयर ओन प्लेसेस। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी ऑथर ने बोली है कि हम आपकी मानते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, मिलिट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, बट इसके लिए, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू कैन होल्ड अदर्स फॉर कंटेम्प्ट। आप दूसरों को ना जीने दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप अच्छा काम कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट लेट अदर्स ऑल्सो लिव, लेट अदर्स ऑल्सो डू देयर जॉब। सो पुलिस also faces many challenges which you people do not face, this is what the author is saying, कि जो पुलिस प्रशासन होता है वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जूझता रहता है जो कि मिलिट्री को नहीं जूझनी पड़ती है, मिलिट्री को फेस नहीं करनी पड़ती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मैंशनड बाय द ऑथर, कि देयर शुड बी अ कॉनकॉर्ड, देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ दीज फाइटिंग्स एंड ऑल, ये इंसिडेंट्स को रोकने चाहिए। एंड वॉट इज़ नीडेड इज़ गुड लीडरशिप, वी हैव टू प्रिवेंट द बॉमडिला इंसिडेंट, जो ऊपर मैंने आपको पूरा बता दिया, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ऊपर मैंने आपको बता दिया है। द ऑथर हाईलाइट दैट आर्म्स ऑफ द स्टेट, आर्मी ऑफ द स्टेट शुड बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेशलाइजेशन। द आर्मी एंड द पुलिस दे शुड
अप्रिशिएट ईच अदर्स स्पेशलाइजेशन। अगर आप मिलिट्री यानी कि आर्मी में स्पेशलाइज हो तो वो भी पुलिस प्रशासन में स्पेशलाइज है, दे आर ऑल्सो ट्रेंड। ओके, सो दिस इज वॉट बोथ शुड रिस्पेक्ट, एंड प्राइड इन वंस जॉब शुड नॉट लीड टू द कंटेम्प्ट ऑफ अनदर जॉब। एक जॉब का प्राइड दूसरे जॉब का कंटेम्प्ट नहीं बनना चाहिए। दिस इज वॉट द ऑथर इज सजेस्टिंग, दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग, एंड हमको सिविल और मिलिट्री के बीच में एक मिडिल ग्राउंड बनाना चाहिए, एक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल दीज स्कफल्स। ओके, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं देश के लिए, दोनों ही जरूरी हैं। ओके, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। द थर्ड एडिटोरियल वाज रिगार्डिंग मैग्निफिशेंट मैरी, मैरी कॉम के ऊपर ये एडिटोरियल था। तो मैरी कॉम हैज वॉन द सिक्स्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप, सिक्स्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड उनको लगातार मिला है। दिस इज वॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड। वुमेन बॉक्सर्स में आप जरूर उनका नाम देखेंगे, मैरी कॉम का नाम, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इसमें एक और फैक्ट ये था कि 2012 में उन्होंने मेडल जीता था, बहुत सारी चीज, 2012 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी लंडन ओलंपिक्स की। 2012 में लंडन ओलंपिक्स हुआ था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है, तो ये भी एक फैक्ट था। 2012 में लंडन ओलंपिक्स हुआ था जहां पे वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, और 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होने वाला है। तो दैट इज द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इस एडिटोरियल से। लेगेसी इज क्रूशल फॉर द कॉमर्स, इसमें दो लोगों की लेगेसी है जिसको जिसको इंपॉर्टेंट बताया गया है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स और आपके महात्मा गांधी। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये था कि 2018 विल बी द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल मार्क्स। ये याद रखेगा, ये होगा आपका 2018 होगा, तो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी होगी 2019, आई थिंक दैट शुड बी 2019, बट लेट्स सी। ओके, तो बस ये याद रखिएगा कि देखो अभी ये याद रखो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल मार्क्स का एरा है, मतलब ये पूरा साल जो चलेगा उसी के हिसाब से चलेगा। ओके, 1869 को वो पैदा हुआ तो 2019 होना चाहिए। ओके, सो ये याद रखिएगा 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी एंड 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कार्ल मार्क्स, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 18-19 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा कि 150 साल उनके होंगे और 200 साल इनके होंगे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक दास कैपिटल, ये दोनों किताबों का नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स एंड देर वॉज अ बुक बाय बुक नोन एज दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट याद रखिएगा। ओके, नाउ इरावतम महादेवन के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ पे कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे थे, हीड द कॉन्स्टिट्यूशन और फेस केओस, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेंगे तो जो ऑर्डर है सोसाइटी का, जो ऑर्डर होना चाहिए था वो नहीं रहेगा, एंड देयर विल बी केओस एवरीवेयर। तो दिस इज वॉट द रंजन गगोई है सेइंग, एंड ही इज वार्निंग ऑफ द डेंजर्स ऑफ इग्नोरिंग द स्टैट्यूट। अगर आप स्टैट्यूट को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो दैट विल बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, एक ऑटोक्रेटिक डिस्पॉटिक रूल के अंदर आप आ सकते हैं, दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनी वन, एंड देयर विल बी अनफॉर्चुनेट अकरेंसेज ऑफ इवेंट्स, दिस इज वॉट द ऑथर इज सेइंग। देयरफॉर फेथ रिलीजन ये सारी चीज अच्छी बात है, लेकिन ये इनके ऊपर एक द ग्रेटेस्ट सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ नोटिस दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर एंटी ग्राफ्ट एक्ट। तो रिसेंटली आपको पता है कि दो अमेंडमेंट्स आने वाले थे एंटी ग्राफ्ट एक्ट में, उसके ऊपर एक एनजीओ ने चैलेंज कर दिया है दो अमेंडमेंट्स को। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं वो दो अमेंडमेंट है कौन से। एंटी ग्राफ्ट एक्ट का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ओके, ये याद रखिएगा कि एंटी ग्राफ्ट एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो द फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 17A। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 17A के तहत क्या हो रहा है, देयर विल बी अ प्रायर परमिशन नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन ऑफेंसेज। जो करप्शन ऑफेंसेज है उसके रिगार्डिंग एक प्रायर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाट इट इज बीइंग चैलेंज्ड। पहला जो है सेक्शन 17A, याद रखिएगा, प्रायर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन फॉर द करप्शन ऑफेंसेज। ओके, सेकंड जो है रिमूवल है सेक्शन 13(1)(d) का। सेक्शन 13(1)(d) का रिमूवल कर दिया गया है, एंड किससे रिलेटेड है, ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है। तो क्रिमिनल मिसकंडक्ट से रिलेटेड है, इसको रिमूव कर दिया गया है और 17A को इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि परमिशन लेने के लिए है कि रिक्वायर्ड, यू विल बी रिक्वायर्ड अ परमिशन फॉर दीज करप्शन चार्जेस एंड ऑल, उसको चेक करने के लिए। सो दीज टू आर बींग चैलेंज बाय एन NGO, एंड अब सेंटर से सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर से सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। नाउ
आर्टिकल 70 तो आपको पता है किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग प्ली को रिमूव कर दिया है, तो आर्टिकल 370 आपको पता होना चाहिए। यूएस फोर्सेस ड्राइव आउट माइग्रेंट्स हु स्टॉर्म द मैक्सिको बॉर्डर। तो व्हाट हैपेंड इज दैट, आप सबको मैंने बताया था कि कारवा चला था जो कि सेंट्रल अमेरिका से कंट्री से हॉन्डुरस एल सल्वाडोर इन कंट्रीज से निकले थे और वो लोग माइग्रेट कर रहे थे टुवर्ड्स यूएसए। बट यूएसए ने रिसेंटली फिर अपनी पॉलिसी जो माइग्रेशन पॉलिसी उसको चेंज कर दिया एंड दे सेड कि नो मोर माइग्रेशन, नो वी विल नॉट टेक एनी मोर रिफ्यूजीज, वी विल नॉट टेक एनी मोर माइग्रेंट्स एंड ऑल। ओके, तो ये चीज यूएसए ने बोली थी। तो बेचारे क्या कर रहे थे, दे वर कैंपिंग इन मैक्सिको, वो मैक्सिको में जाके कैंप्स बनाने लगे बेचारे, रुके रहे। नाउ यूएस फोर्सेज आर ड्राइविंग आउट दीज माइग्रेंट्स फ्रॉम द मैक्सिको बॉर्डर, वो उनको हटा रहे हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, उनको रिमूव किया जा रहा है। और कारवा वॉज देयर फ्रॉम, आप कहाँ से चला था ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से, हॉन्डुरस एल सल्वाडोर इन कंट्री से चला था, ये याद रखिएगा। नाउ आरसीईपी न्यूज़ में आया था, तो आरसीईपी के बारे में बता देता हूँ। आरसीईपी इज अ ग्रुपिंग दैट वुड इंक्लूड 10 आसियान नेशन, 10 मेंबर आसियान के हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेल मी ऑल द 10 मेंबर्स, को कौन से 10 मेंबर आप जरूर बताइएगा। आसियान के 10 मेंबर्स हैं एंड 6 मेंबर्स आर देयर अदर देन आसियान, 10 आसियान मेंबर। तो आरसीईपी में 16 मेंबर हैं 10 आसियान के, और 6 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड, दीज आर द अदर रिमेनिंग 6 मेंबर्स। ओके, 16 मेंबर्स हैं, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ फिर क्रिकेट सेक्शन है, स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई न्यूज़ आती नहीं है। लास्ट पेज में हम आ जाते हैं, एक तो यूएनएस्को से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक नया स्टेप लिया इन देयर रिकंसिलिएशन। व्हाई द यूएनएस्को हैज़ एक्सेप्टेड अ जॉइंट बिड फॉर कोरियन रेसलिंग, कोरियन रेसलिंग जो होती है उसको एज अ जॉइंट बिड मान लिया गया है बाय नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेजर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जो कोरियन रेसलिंग है उसको इंक्लूड करने के लिए यूनेस्को ने हामी भर दी है। एंड इट विल बी अ जॉइंट बिड बाय नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिकंसिलिएशन प्रोसेस। एंड कोरियन रेसलिंग के बारे में याद रखेगा, यूनेस्को ने रिसेंटली एग्री किया है। नाउ नासाज इनसाइट रोवर हेड्स फॉर 6.5 मिनट्स ऑफ टेरर। तो वॉट इज देयर इनसाइट, क्या है इनसाइट, इज अ रोबोटिक लैंडर डिजाइंड टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ प्लैनेट मार्स। याद रखेगा, इनसाइट जो नासा का इनसाइट है वो रोबोट है जो कि स्टडी करेगा इंटीरियर ऑफ प्लैनेट मार्स को। और मार्स इनसाइट गोल इज टू लिसन फॉर क्वैक्स एंड ट्रेमर्स एज अ वे टू अनवील द रेड प्लैनेट्स इंटीरियर इनर मिस्ट्रीज। तो रेड प्लैनेट यानी कि मार्स, रेड प्लैनेट बोलते हैं, फोबोस एंड डीमोस उसकी दो सैटेलाइट्स हैं। ये भी याद रखेगा कि फोबोस और डीमोस, दीज आर द टू सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स, ये रेड प्लैनेट होता है। और ये जो ये आपका इनसाइट है ये क्या करेगा, ये ट्रिमर्स को और जो वहाँ पे अर्थक्वेक्स इन सबको इनको स्टडी करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट इज देयर इंटरनली। एंड इसके पहले क्यूरियोसिटी रोवर लैंड हुआ था 2012 में मार्स में, क्यूरियोसिटी रोवर। तो ये भी याद रखेगा कि क्यूरियोसिटी रोवर भी जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो भी आपका उस नासा का ही है। एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्स बिकॉज नासाज फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज क्यूरोसिटी रोवर 2012 की थी, वो पहली अटेम्प्ट थी नासा की इनको टच करने के लिए, मार्स को टच करने की। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स, दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।